जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा अंतरंग उद्गार जो साधकों के लिए दिए गए हैं, जो भगवान के मार्ग पर चलना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उनके लिए पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जगत के सारे काम नाट्य मंच पर अभिनय करने वाले अभिनेता की भांति केवल खेल के रूप में ही करना, कहीं भी आसक्ति ममता न रखना। जहाँ जैसा कर्म करना उचित हो वहाँ वैसा ही अच्छी तरह करना, परंतु सदा खेल बुद्धि ही रखना। जगत के प्राणी पदार्थों से आशा न रखना। जगत की आशा रखने वाला कभी सुखी नहीं होता। मान कभी नहीं चाहना, पर मान देना। मान चाहने वाले को पद पद पर अपमान का भय और अपमान की अनुभूति से दुख होता रहता है। दूसरों से वही बर्ताव करना जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। हम जैसा बर्ताव करेंगे बदले में हमें वही अनंत रूप में मिलेगा। सभी के साथ सम्मान, सत्य, प्रेम तथा हित का बर्ताव करना। घर में अतिथि की तरह रहना, मालिक की तरह नहीं। सब में भगवान को देखकर यथा योग्य बर्ताव तो करना, परंतु किसी का तिरस्कार कभी न करना, न किसी में मोह करना। जगत के भोग सुख रहित, दुखों के घर तथा दुखों की उत्पत्ति के स्थान हैं, यह जानकर उनमें प्रीति कभी न करना। अपने पास जो कुछ है सो भगवान है, यह समझकर उसे यथा योग्य अहंकार रहित होकर आदर के साथ भगवान की सेवा में लगाते रहना। अपना कोई अनिष्ट होता है तो वह अपने प्रारब्ध से ही होता है, दूसरा उसमें निमित्त भले ही बने। अतएव दूसरे के द्वारा अपना कभी बुरा होता दिखे तो उस पर क्रोध न करके दया करना, क्योंकि वह अज्ञानवश हमारा बुरा करने जाकर अपना ही बुरा कर रहा है। किसी दूसरे का बुरा कभी न करना। किसी समय दूसरे को जरा भी बुरा करने की मन में आवे तो यह विचार करना, इसका तो बुरा तभी होगा जब इसके प्रारब्ध अनुसार होना होगा, पर हमारा बुरा तो उसी समय हो जाता है जब हम किसी के बारे में बुरा करने की सोचते हैं। मानव शरीर भोगों के लिए नहीं है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है, यह निश्चय रखना और भजन में लगे रहना। जीभ से भगवान के नाम का जप, मन से उनके नाम रूप का चिंतन तथा शरीर से होने वाले हरेक काम में भगवत पूजा की भावना रखना। समय को अत्यंत मूल्यवान समझकर एक एक क्षण को भगवत स्मरण में लगाना तथा भगवत स्मरण करते ही सेवा के भाव से उचित कर्म करना। शरीर पर घर वालों का अधिकार है, इसलिए शरीर को घर के लोगों के अधीन रखना, पर मन को तो सर्वथा भगवान में ही लगाए रखना। भगवान की जरा सी भी विस्मृति में भयानक व्याकुलता होना, जैसे श्वास रुक जाने पर होती है। खान पान, शयन, सभी कर्मों को भगवान के अर्पण करना। खान पान में शुद्धि रखना, परंतु घृणा द्वेष किसी से न करना। अभक्ष्य भक्षण तथा अपेय पान का सर्वथा त्याग करना। किसी भी जीव का कभी तिरस्कार न करना। स्वयं अमानी रहकर सबका सत्कार करना। भोगों की कामना ही जलाने वाली है, इसलिए भोग कामना का सदा त्याग करना। भोगों की प्राप्ति से कामना की आग बुझती नहीं, यह जानकर कामना का नाश ही करना चाहिए। भगवान को परम सुहृद मानते ही शांति मिल जाती है। ममता केवल भगवान के चरणों में ही होनी चाहिए और बुरे संग का सर्वथा त्याग करना उचित है। दूसरे की निंदा न करना, न किसी का दोष देखना। सदा सर्वदा अपने को भगवान के हाथ की कठपुतली समझना। वे जब जो कुछ करवावें
वह करते रहना। भगवान के प्रेम की भूख सदा बनी रहे तथा बढ़ती रहनी चाहिए। भगवत चिंतन में ही परम लाभ है, भगवत चिंतन ही परम पुण्य, अमूल्य संपत्ति, परम सौभाग्य और परम बुद्धिमत्ता है। जय श्री राधे।